तो दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आपका एक और नए वीडियो में। सुबह हो चुकी है, हम घर से 7 बजे निकले थे दिलेर भाई के घर से। और उनका घर तो आपने देखा ही होगा, कितना बड़ा घर था उनका। हमने इस जगह पे अपनी बैग रखी हुई थी और सामने इतना बड़ा विंडो है और उसके बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सिटी में हिचाइकिंग लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये भाई साहब ने हमको हेल्प करी है। ये अंकल ने हमें हेल्प करी, रहमत। ये अंकल हमें बाहर तक छोड़ रहे हैं। कम से कम 1 घंटा हमें यहाँ पे लिफ्ट लेने के लिए लगा। एक बार सिटी के बाहर हो गए ना, अनलिमिटेड लिफ्ट मिलती रहेगी आपको। हमें सिटी में सब टैक्सी आके रोकेंगे, बोलेंगे टैक्सी। एंड यहाँ पे टैक्सी भी है ना, आपको समझ में नहीं आएगा टैक्सी कैसी दिखती है, क्योंकि यहाँ पे ना जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो लोग भी लिफ्ट देते हैं, वो लोग भी मतलब टैक्सी जैसा चलाते हैं ना सब पैसे। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे हिचहाइकिंग कर रहे हो ना, सिटी अवॉइड करना, सिटी तो कहीं पे भी अवॉइड करना चाहिए हिचहाइकिंग के लिए। चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। सिटी में अपने यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस फिर भी ठीक रहा है। दिल्ली से निकलना हो, मुंबई से निकलना हो, मैं तुरंत निकल जाता हूं, क्योंकि भाषा समझ में आती है। प्लस अपना माइंड भी कंफर्ट में होता है। यहाँ पे कंफर्ट नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास 30 दिन है। 30 दिन में भी लिमिटेशंस है कि हम यहाँ पे ही जा सकते हैं। 300 किलोमीटर के लिए मेरे को कभी भी सोचना नहीं पड़ा। इंडिया में आराम से 300 किलोमीटर चला जाता हूं। यहाँ पे भी हो जाएगा। इंशाल्लाह बोलते हैं ना उसको, देखते हैं हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हाईवे पे मिलते हैं अभी। यहाँ पे टैक्सियां लगी होती है और यहाँ पे बस ऑक्टोबस बस। दोस्तों दूसरी लिफ्ट हमें एक 4-व्हीलर में मिली है। ये भाई ने हमें लिफ्ट दिया है। ये ताशकंद के रास्ते पर ही जा रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पाई हूँ कि कितने किलोमीटर तक जाएंगे और कहाँ तक छोड़ेंगे हमें। हम मैप में देख रहे हैं तो सही रूट पे जा रहे हैं। जहाँ पर भी ये मोड़ ले लेंगे हम वहाँ पे उतर जाएंगे। दिल्ली मरोद। इनका नाम दिल्ली मरोद है। ये उज़्बेक समरकंद के ही है। ये हमें बता रहे थे कि उधर से ताजिकिस्तान का भी रास्ता है, अफगानिस्तान का भी रास्ता है, और ऑपोजिट कट जो है वो ताशकंद का है। ये बोर्ड बड़ी काम की चीज़ है। भाई साहब ने यहाँ पे छोड़ दिया हमें। इधर से लेफ्ट में ताशकंद जाना है, इधर राइट में तुमको कोई और गाँव आ रहा है, वो गाँव में जा रहे हैं, हमें इस तरफ जाना है। कैसा लग रहा है आज का दिन? मस्त लग रहा है, जल्दी निकल गए हम। जब ताशकंद से निकल रहे थे तो बहुत टाइम लगा था हाईवे पे आने में, पर अब जल्दी आ गए, 10 बजे पहुंच गए हम हाईवे पे। देखते हैं अब शाम तक कितने बजे तक हम ताशकंद पहुंच जाते हैं। अभी हमारे पास 300 किलोमीटर है। 296। ओके, यहाँ पे ऐसे आपको कॉफी शॉप भी मिल जाएंगे बहुत सारे। ये देखो कॉफी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट है। टॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा यार, पर उधर भी एक कॉफी शॉप है, टॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा। अभी हमें वो भाई साहब ने छोड़ा ही था, मैंने अपना बोर्ड है ना ये कॉफ़ी शॉप के अंदर रख दिया और भूल गई बोर्ड कहाँ पे रखा है, जो लिफ्ट बोर्ड है अपना। और हम लोग बाहर ढूंढ रहे थे, ये भाई साहब ने हमें पूछा कि कहाँ जाना है, क्या ढूंढ रहे हो, तो हमने कहा हमको ताशकंद जाना है, हमारा लिफ्ट बोर्ड गुम हो गया। तो वो बोले आ जाओ, मैं भी ताशकंद की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगा। हमने अभी उनको कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो एक पुलिस की गाड़ी देखो पीछे आई है, उसमें से एक ऑफिसर बाहर आया कॉफ़ी लेने के लिए। तो वो भाई वो पुलिस अंकल को भी ये बोले कि ऐसे ऐसे ये लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, मैं इनसे पूछे इनको कहाँ जाना है, मैं अगर रास्ते पर आ तो छोड़ दूँगा। तो अभी हमको ये लिफ्ट दे रहे हैं ताशकंद तक। अच्छा लग रहा है भाई, वैसे पैसे की डिमांड कर रहे थे तो हमारे पास पैसे तो है नहीं है, तो अभी हम ट्रक की लिफ्ट ले रहे हैं। ये भाई को मैंने कह दिया पैसे नहीं, आप चले जाओ, तो वो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ट्रक से लिफ्ट ले लेंगे, ट्रक में मजा आता है। और ये लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते, ट्रक वाले मस्त बात कर लेते। लेकिन पूरी क्लैरिटी ले लेना मेरे को, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो समझ नहीं पाते। तीसरी लिफ्ट मिल चुकी है, ये भाई सीधा ताशकंद जा रहे हैं और इन्होंने हमें लिफ्ट दी है ताशकंद तक की। इनको हमने समझा दिया हमारे पास पैसे नहीं है, हमें लिफ्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें। इनके वो टेलीग्राम ग्रुप में है ना, वो डांडिया का वीडियो स्टार्ट करते थे। भाई इधर भी ये सब चलता है यार, मतलब एक्चुअल ढोल बजा रहे हैं। देखो एक्चुअल ढोल वगैरह है, ऐसे नहीं है कि भाई स्पीकर लगा के डांस कर रहा है, एक्चुअल ढोल बजा के नाच रहे हैं। यहाँ पे डांडिया उत्सव हुआ था ताशकंद में, उतना मजा आता भी नहीं जो एक्चुअल वाले में आता है ना, वो लाइव म्यूजिक। हाँ, इसमें ही ज्यादा वाइब्रेशन होती है। यू वर्किंग जॉब? वर्किंग ऑफिस ताशकंद। दिस ताशकंद ना, बस ताशकंद। ओके भाई साहब, क्या डेस्टिनी होती है, मेरे आंखों से ना पानी आने लग गया अभी, सच में बता रही हूँ। ये भाई, इनके जो बड़े भाई है ना, उनको
दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उनको न्यूरो सर्जरी हुई है। इनके भैया भाभी अभी दिल्ली में है, तो शायद अभी हम भी दिल्ली पहुंच रहे हैं 12 तारीख के बाद। तो मैं इनको बताई कि अगर मेरा स्केड्यूल बना तो मैं उनको मिलूंगी और गुरुद्वारे ले जाऊंगी, और हो सके तो थोड़ा मेरे से जितना होगा उतना घुमा लूंगी उनको, है ना। विदेश में किसी की हेल्प मिले ना लोकल लोगों की, कितना वो होता है भाई, हमें पता है। हाँ, तो अगर हम कर सके ना कभी भी, आप काउ सर्फिंग के थ्रू, उंगली आ रही है, उंगली हटाओ, काउ सर्फिंग के थ्रू या कैसे भी विदेशी लोगों की आप हेल्प करोगे ना, खास तौर से मतलब हम जैसे जो बैकपैकर होते हैं और उन सब की, तो अच्छा लगता है मतलब हमें भी। कुछ नहीं, बस रहने के लिए अपने यहाँ पे जगह दे दो, या फिर मतलब थोड़ा सा आप मिल लो उनसे, आपका वक्त थोड़ा सा दोगे ना, वो सबसे बेस्ट है। और देखो अभी उनसे हमारी वीडियो कॉल पे बात हो रही है, वो दिल्ली में है, फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर नोएडा में है, एक होटल में रुके हुए। ब्लॉगिंग उनको बता रहे हैं, हम वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ यार मैं जल्दी पहुँचूँ और इनको थोड़ा सा है ना गुरुद्वारा ये सब दिखाऊँ, हो सके तो ऋषिकेश भी ले जाऊँ, क्योंकि न्यूरो सर्जरी है ना ब्रेन में यहाँ पे मतलब होती है, और फिर मतलब हाँ फोर्टिस में बहुत महंगा भी होता है। ऋषिकेश में जाएंगे थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा उनको। यहाँ पे पेट्रोल आपको खुद से भरना होगा, वहाँ पे पेट्रोल भरते हैं और यहाँ पे उसका पेमेंट करते हैं, ये ऑपरेटर रूम होता है, यहाँ पे पेमेंट करते हैं। और ये कहाँ गए, एक जो भाई साहब ने हमको पहले लिफ्ट के लिए मना किया था ना, पैसे मांग रहे थे, वो भाई भी हमें इधर ही मिल गए। मैंने कहा हमको कि ये भाई ने हमें लिफ्ट दिया है अभी। यहाँ पे ना सबको उतरना पड़ता है, जब गैस रिफिल हो रहा होता है ना सबको उतरना पड़ता है, और अंदर से भी नहीं आने देते, तो बाहर से ही जो भी सवारियाँ बैठी है सबको उतरना पड़ता है और दूर हो जाते हैं गैस से, और गैस भरता रहता है। जैसे सीएनजी में भी उतरना पड़ता है, लेकिन सीएनजी में आसपास रह सकते हैं, इसके अंदर से क्रॉस कर सकते हैं, रिफिलिंग स्टेशन है जो, लेकिन हम जैसे अब बैठे ना तो इसके अंदर से भी नहीं आ सकते, हमें बाहर से आना पड़ेगा, घूम के आना पड़ेगा। देखो इसके है ना यहाँ पे फोटोज भी डाले हुए हैं कि ये देखो ऐसे सब ब्लास्ट हो सकता है, तो इसके लिए वो लोग दूर रखने बोलते हैं। हाँ यार ये देखो स्टेशन के अंदर ब्लास्ट, हाँ स्टेशन के अंदर ही ब्लास्ट में ऐसी होता है, सीएनजी में भी सेम बोलते हैं। हाँ तो दूर रहो गाड़ी से, गाड़ी से दूर रहना पड़ता है। एक और टॉयलेट पेट्रोल पंप के बाहर, ये देखो ऐसा टॉयलेट होता है, और यहाँ से आप इसके ज़रिए पानी भर के इसमें यूज़ कर सकते हो। थैंक यू। हाँ राइट, 5,000 सोम का नोट दिया है मैंने, ये मेरे से 2,000 सोम काट के 3,000 देंगे। थैंक यू, चलो चलते हैं बाहर। ऐसे करो अपनी तरफ लंबा करो, ये लो अब लो पहले ऐसे, हाँ ऐसे करो, ऐसे ही शूट करो हमेशा, बैकग्राउंड ले लिया करो, ऐसे घूम घूम के घूम जाओ जहाँ का बैकग्राउंड लेना वहाँ घूम जाओ, ऐसे करो, हाँ बस बोलती रहो और घूमती रहो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे छोड़ दिया वो भाई साहब ने, आने वाले 2 घंटे हमें यहीं पे बैठने हैं, उसके बाद हमारे ईरानियन होस्ट जो हैं वो आ जाएंगे और हम उनके घर चले जाएंगे। एक प्रॉब्लम हो गई थी आपके सामने यार, पता नहीं क्यों मेरे को ना प्रॉब्लम भी बताते वक्त ना स्माइल आ जाती है मुंह पे। एक और होस्ट थे जिनका जिनके साथ हमारा कल परसों और मतलब 2-3 दिन का प्लान था, उन्होंने अभी कैंसिल किया, मतलब अभी जस्ट मैं उनसे बात करी तो उनके तरफ से वो कैंसिल हो गया, कहा कि नहीं हम हमारे वर्किंग क्वार्टर्स में बाहर के लोगों को नहीं ये कर सकते। हाँ, बहुत सारे लड़के ना अकेली लड़की को तो जब बात करते हैं तो बोलते हैं आ जाओ, फिर पता चलता है कि मैं भी हूँ साथ में तो मना कर। हाँ वैसे तो देखो मेरे को शुरुआत के 20-25 दिन में इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी, तो अकेले होस्ट करने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी। जब से मतलब दो चार दिन हुए हैं ना हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सामने वाले के यहाँ पे कैसे हो जाता है कि 2 लोगों का रुकना, वो थोड़ा सोचने लगते हैं कि 2 लोगों भी लड़का लड़की है तो क्या हो सकता है, ऐसे वैसे सोच। हवा आ रही है आपको भी? वैसे अच्छा लग रहा है यार, ये देखो ना मेरे पीछे आप देख रहे हो ऐसे, ये इनके लिए तो ये कबाड़ सा है पर हमारे लिए ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। और ये देखो हमने जहाँ पे बैग रखा है ना, ये भी इलाका बड़ा प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल लोकेशन लग रही है ऐसा। हाँ मतलब इनके लिए ये बंजर सा है, हमारे लिए अच्छा है। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और ये वाली बिल्डिंग में हमारे होस्ट रह रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमें 3-4 घंटे निकालने होंगे। उन्होंने वैसे तो कहा है कि 2 घंटे लगेंगे कब, 4 बजे से, और अभी 2 बज रहे हैं, मतलब 2 और 2 4 6 बजे वो आएंगे। चलो भाई भाई 6 बजे मिलते हैं।
शीर रहते हो शीर दे दूसरे तो ये पता नहीं कोई तो गेम है दो ये बूढ़े बूढ़े अंकल लोग ये सब खेल रहे हैं यहाँ पे देखो पता नहीं क्या गेम है इस गेम का नाम पता है तो बता दो ओथेलो जैसा पता नहीं क्या लग रहा है कैरम बोर्ड जैसा गोटी लूडो और कैरम बोर्ड का मिक्सर लग रहा है लूडो और कैरम बोर्ड का मिक्सर ये डाइस डाइस रोल किया पांच और एक आया इनका तो अब ये वहाँ से कुछ ले रहे हैं इधर रह गया पता नहीं क्या गेम है कितना पाँच बज गया 500 बज गया हाँ हो गया ऑलमोस्ट चार तीन घंटे निकाल लिए अभी और एक घंटा बचा हमारे होस्ट आने के लिए ठंड बहुत बढ़ गई है 5 बजे तक आ जाएंगे मेरे को लग रहा है आ जाएंगे हाँ देखते हैं नेट चलाते हैं सुबह हाँ वो बैठा है वहाँ पे आ जाओ हॉटस्पॉट लेते हैं नेट चलाते हैं और बैग उतारने का मन नहीं कर रहा ठंड लग रही है यहाँ पे इसके लिए जब से आए ना तब से सबसे ज्यादा आज हुई है ठंड समरकंद में नहीं थी हाँ ये नॉर्थ की तरफ ज्यादा है ना ताशकंद पहली बार हुई है इतनी ठंड तो चलो बंद कर देते हैं 2000 years later अगले दिन सुबह हो चुकी है और हम आज बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं कजाकिस्तान जा रहे हैं उज्बेकिस्तान में आखिरी दिन है हमारा और यहाँ के यार रोड्स देखो बैठने के पार्क देखो देखो ये मेन रोड है और उसको लग के ना ऐसा पार्क सा बना रखा है उन्होंने ये नदी जा रही है नीचे और उसके दोनों किनारे पे देखो वॉकिंग स्ट्रीट बना रखा है मतलब पैदल चल सकते हो और ये बैठने के लिए देखो मतलब आप ऐसे मेन रोड से आ रहे हो या फिर यहाँ पे चल के आ रहे हो अंदर आ जाओ और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करो और फिर यहाँ पे आगे निकल जाओ कितना अच्छा रोड बना रखा है ना शायद मैं नया आया हूँ इधर इसके लिए भी मुझे थोड़ा मतलब ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है चलो फिर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगली वीडियो पे आना हम कजाकिस्तान में मिलेंगे बाय बाय